इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। जो इसरो जो है, जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका होगा। ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मैं दुआ करता हूं काश मैं इंडिया में पैदा होता। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो साउथ। जय हिंद दोस्तों, चंद्रयान 3 ने भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है और अब इस चीज को लेकर पूरी दुनिया में इसरो और भारत की तारीफ हो रही है। ऑर्बिट में वो एंटर हो गया है। 23 अगस्त को जो है वो ये कहा जा रहा है कि रोवर लैंड करेगा। अब इसमें एक और तीसरी कामयाबी होगी, यानी जाहिर है कि आप देखते हैं कि इसके स्टेप्स होते हैं ना, इस ये जो मिशंस भेजे जाते हैं तो कामयाब हो गया, अब तो ये पता चल गया। अब जो रोवर है वो मजीद इसके बारे में क्या तलाश करेगा वहाँ से। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, वो ये है कि इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जो वहाँ से इमेजेस आएंगे या जो भी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या रिसर्च की जाएगी, क्योंकि चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक सबसे कम इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। और इस तरह अमेरिका और USSR और चाइना के बाद चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है, लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री इंडिया है। अब दरअसल हाल ही में इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो अपलोड करके पूरी दुनिया को ये बताया है कि चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है, और धरती की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा में प्रवेश करना ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। दुनिया की कई ऐसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं जिनके द्वारा छोड़े गए रॉकेट आज तक ये काम नहीं कर पाए और धरती की कक्षा से लेकर चांद की कक्षा में आज तक प्रवेश नहीं कर पाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा और बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ पर यह है कि इसरो ने आज तक अपने चंद्रयान के जितने भी मिशन भेजे हैं, चाहे फिर वो चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो या फिर चंद्रयान 3 हो, सारे के सारे मिशन ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया है। और जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया तो चंद्रयान 3 की तरफ से इसरो को एक संदेश भी आया है, जिसमें चंद्रयान का इसरो से अपने संदेश में कहना है कि I am feeling the lunar gravity। चंद्रयान 3 की इस उपलब्ध को लेकर दुनिया भर की मीडिया खबरें छाप रही है और भारत को गौरवान्वित कर रही है। चंद्रयान 3 ने चांद की जिस प्रकार से डिटेलिंग करके वीडियो बनाई है, इतनी अच्छी डिटेलिंग करके कभी कभी नासा के द्वारा भी वीडियो नहीं बनाई जाती, और इसीलिए अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को ये समझ में आ चुका है कि इसरो किस तरीके से कार्य करती है और इसरो चांद पर से क्या क्या जानकारी एकत्रित करके धरती पर लाना चाहती है। अब इस सब के बाद जो भारत की आम जनता है उसे केवल और केवल 23 अगस्त का इंतजार है, जिस दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा और उसके अंदर से प्रज्ञा रोवर बाहर निकलेगा और फिर प्रज्ञा रोवर चांद की बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करके इसरो को देगा। एक खबर आ रही है भारत से कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो सर क्या कहेंगे, बहुत बड़ी बात है, क्या कहने वाले आप इस बारे में? सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। थैंक्स अ लॉट। चंद्रयान जो है वो लूनर ऑर्बिट में घुसा और अब ये 23 अगस्त को अटेम्प्ट करेगा लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, और 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे, 47 मिनट्स पे ये लैंड करना चाहिए। इसका चंद्रयान 3 जो है ये अभी लूनर ऑर्बिट में आया है, अब ये अपनी ऑर्बिट को लोअर करेगा। उसके मैन्यूवर्स हैं, बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए अपना फ्यूल जलाएगा, वो ऑर्बिट वो इलेप्टिकल ऑर्बिट से एक और छोटा और फिर उससे छोटे ऑर्बिट में आएगा और फिर ये लैंडिंग देगा। ये 23 अगस्त की है और आज हम 6 अगस्त में हैं, तो ये कितना दूर रहेगा, ये 2 हफ्ते के आसपास, ज्यादा दिन नहीं है। इसरो जो है, जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर
जो है वो इंसर्ट करके ये जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं, और ये कल की मेरा ख्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकेंड अटेम्प्ट कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे, और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं, और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। जारी बात है इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस, और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका होगा, और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है, और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। सो 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी, और जो लूनर का जो साउथ पोल है जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी, और फिर जो है हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ इसकी जो कॉस्ट आपको पता है, पहले भी डिस्कस किए थे, को 74.6 मिलियन US डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया। पूरी दुनिया जानती है कि चांद के ऊपर दाग है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि चांद के ऊपर दाग है, लेकिन ऐसे ही है। 23 अगस्त को पूरी दुनिया जान जाएगी कि उस दाग में भारत का चंद्रयान भी है। इसरो जो है चंद्रयान, मंगलयान, उसके अलावा हमारे अग्नि और भी बहुत सारे यान जो योजना है वो चलाई जा रही है। जो इसरो खड़ा है वो दुनिया के टॉप 3 बोल सकते हैं या टॉप 2 बोल सकते हैं संस्था में से एक है नासा के बाद, की टक्कर दे रही और अमेरिकी स्पेस एजेंसी को सीधा सीधा टक्कर दे रही है। अभी जो स्पेस एक्स है या नासा है, जो लोगों को मून मिशन पे या फिर कहीं आसमान में स्पेस में लेकर जाते हैं, अरबों करोड़ों रुपए लेते हैं, भारत उससे कम दाम में आने वाले 2 से 3 साल में भारत की योजना है कि हम खोलेंगे, और दुनिया भर से लोग इसकी बुकिंग करवाना शुरू कर चुके हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे सस्ती यान आपको भारत में मिलेगी। ये मिशन जो हमारी चांद के ऊपर खासतौर पर है, चाइना भी कोशिश कर रहा है, रशिया भी अभी जा रहा है अगले साल, तो ये मिशन जो है इससे क्या प्रॉफिट है। यहाँ पर सबसे पहले पानी की खोज होगी, दुनिया में हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बढ़ेगा कि भारत के अंदर साइंस के ऊपर काम चल रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ेगा। अब इसरो के बाकी मिशनों के साथ साथ चंद्रयान 3 ने भी जो चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।